और बड़ी खबर लखनऊ में बता दें, शिक्षा मित्रों का आज फिर धरना प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा मित्र। हजरतगंज चौराहे पर शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन। शिक्षा मित्रों की मांग है कि शिक्षक का दर्जा दिया जाए, चुनावी वादे को निभाएं सीएम योगी, ये शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ में पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज की। राहुल मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या अभी भी इनका धरना प्रदर्शन जारी है? देखिए, धरना प्रदर्शन इनका जारी है, लेकिन अब कहीं सीधे तौर पे अब पुलिस अब इनको उठाना शुरू कर दी है और ये शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये हजरतगंज चौराहा है, ये गांधी जी की प्रतिमा है उसके ठीक नीचे, और इसके जस्ट बगल में यदि कहा जाए तो बीजेपी का ऑफिस है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और पुलिस बल अब कहीं सीधे तौर पे अपना फोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी है और पुलिस बल इनको टांग करके ले जाना शुरू कर दी है। ये शिक्षा मित्र यहाँ पे डटे हुए हैं, इनका जो मांग है ये मांग सीधे तौर पे कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो इनको शिक्षक का दर्जा दिया जाए और जो चुनावी वादे किए गए थे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनको कहीं पूरा किया जाए। क्या क्या है मांगे भाई? मैं साल भर से धरना दे रहा हूँ। राहुल, पहले वो तस्वीरें दिखाई है, शिक्षा मित्रों को हटाया जा रहा है वहाँ से पुलिस की तरफ से, एक बार उन तस्वीरों को दिखाइए हमारे दर्शकों को। बाल घुटवाने पे हाई पावर कमेटी का गठन किया। जरूर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप किस तरीके से शिक्षा मित्रों को यहाँ से उठा करके ले जाया जा रहा है, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से पुलिस बल अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को, जो शिक्षा मित्र हैं उनको कहीं सीधे तौर पे अब जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन सभी को भी अब उठा करके और इनको ले करके जाया जा रहा है यहाँ पे। इसमें जो पुलिस वैन है, पुलिस गाड़ियां हैं, उसमें ले जा करके बंद किया जा रहा है, उन्हें ले करके जाया जा रहा है। और इनसे कहीं यदि कहा जाए तो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा था, उनको अब उठा करके ले जाना शुरू कर दिया गया है। और ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल जो है अब सीधे यहाँ से शिक्षा मित्रों को टांग करके यहाँ से ले जाना शुरू कर रही है। शिक्षा मित्रों को यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये हजरतगंज चौराहा है। हजरतगंज चौराहा के गांधी प्रतिमा है, यहाँ पे अनवरत यदि देखा जाए तो धरना प्रदर्शन होता है। यहीं पे ये जगह है जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहता है, और ये इसी जगह से अब आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ एक भारी थोड़ा सा बल भी प्रयोग कर रही है पुलिस, यहाँ पे बल प्रयोग कर रही है उन को लेकर के जाने में, क्योंकि यहाँ पे वो लोग डटे हुए थे, यहाँ से हिल नहीं रहे थे, और इस वजह से इनको कहीं सीधे तौर पे इनको ले जाने के लिए अब थोड़ा सा बल भी पुलिस कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ शिक्षा मित्र में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको ले करके जाया जा रहा है, और इन्हें ले करके क्योंकि ये मांग जो इनकी थी, जो मांग है उन मांगों को लेकर के ये लोग धरना पे यहाँ पे बैठे हुए थे, और इन धरना पे बैठे हुए थे जो सबसे बड़ी मांग इनकी है कि इनको शिक्षक का दर्जा दिया जाए। इनकी ये भी मांग है कि जो बातें कही गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, जो बातें कही गई, बिल्कुल राहुल, जो शिक्षा मित्रों के जो प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है उनसे जरा जानिएगा, क्योंकि अब उन्हें हटाया जा रहा है, क्या वो आगे भी प्रदर्शन करेंगी और उनकी क्या क्या मांग है, और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो ये मांग कर रहे हैं सब? मैं वही पूछता हूँ कि आखिर में आप लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है, आगे भी इस तरीके का धरना प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा मेरे भाई, जब तक कि पेट की रोटी नहीं मिल जाएगी। पेट की आग, किस शासन ने ऐसा शासक रहा होगा जो पेट की आग के लिए बेटियों को सुहागिन के बाद विधवा होते हुए भी आंख बंद किया हो, और क्रूरता से प्रशासनिक व्यवहार करके दुर्व्यवहार उठा रहा हो मैदान से। जरा विचार करिए इस बीजेपी सरकार की निर्दयता, क्रूरता, इसका घमंड ईश्वर न चूर कर दे तो हमारी पढ़ाई भी छूट गई। ये लोग इतना समझदार नहीं है, 10-18 साल सेवा देने के बाद मेरी मम्मी जो है आज उनकी नौकरी नहीं है, आज हमारी पढ़ाई 2 साल से छूटी हुई है। आप सोचिए 10,000 रुपए में दे रहे हैं, आज के समय में 10,000 रुपए है क्या? लाखों लाख बच्चे सर शिक्षा मित्रों के जो कि सड़कों पर है सर, आज इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक महिला यहाँ पे सिर मुड़वा दी अपने पति के रहते हुए, ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? हम भी एक सवर्ण के बच्चे हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, ये कहते हैं कि सवर्णों की सरकार है, किसकी सरकार, जातिवादता भी फैला रहे हैं, ना सुन रहे,
हम लोग आज करें तो क्या करें, हम हथियार नहीं उठाएंगे, आतंकवाद का रास्ता नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। ये तो हमारा चैनल भी इस चीज को कभी नहीं कहता कि आप हथियार की बात करें या उसमें, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें आगे में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को तो अभी यहाँ से उठाया जा रहा है, आप धरना प्रदर्शन भी एक साल से किए जा रहे हैं, मांग यदि आपकी नहीं मानी जाती है तो आप लोग आगे क्या स्टेप। देखिए हमें 10 महीना बैठे हो गया है, हम उतरोंगे सड़कों पे, गलियों में, जहां भी हमारे जितनी ताकत रहेगी हम लड़ेंगे इनसे, और इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, मेरा वादा। सर एक तरफ इनका रथ निकलेगा, एक तरफ हम लोग का रथ निकलेगा, जिसपे इनकी सारी जुमलेबाजी दिखाएंगे हम लोग बनारस में। ठीक है राहुल, ठीक है, ये कुछ शिक्षा मित्रों का दर्द हमने दिखाया, और भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए वहाँ की, वहाँ क्या कुछ चल रहा है, और बाकी शिक्षा मित्रों से बात करिए। अखिलेश का विरोध क्यों कर रहे थे उस समय? आपको और भी तस्वीरें, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि महिलाएं यहाँ क्या थी, और अब शिक्षा मित्रों को, जो शिक्षा मित्रों को यहाँ पे उठाया गया है, उनको गाड़ियों में देखिए जो बसों में भर करके और इनको लेकर के जाया जा रहा है, पुलिस इनको लेकर के जा रही है। ये एक आप बस जो सामने में देख रहे हैं, जो बस जा रही है, इस बस में ही शिक्षा मित्र जो थे उनको, जो पुरुष शिक्षा मित्र यहाँ पे भी मौजूद थे, उनको उठा करके लेके जाया जा रहा है। अभी यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें, क्योंकि अभी भी महिलाएं इसमें जो शिक्षा मित्र थी वो अभी यहाँ पे हैं, अभी शामिल हैं, यहाँ पे भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, उनको कहीं उठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उठा करके उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुरुष यहाँ पे बल है वो पुरुष बल को उठा लिया, लेकिन जो महिला है, क्योंकि महिला पुलिस यहाँ पे नहीं है, इसलिए अभी वो वहाँ पे डटी हुई है, उनको भी एक प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें उठाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है, उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कुछ महिला कॉन्स्टेबल्स हैं, उनकी तरफ से भी प्रयास यही किया जा रहा है कि इस धरना को क्योंकि खत्म कर दिया जाए। हालांकि जो शिक्षा मित्र थे उनको, जो भारी संख्या यहाँ पे शिक्षा मित्रों की जो, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ पे पुलिस बल जो तैनात थी, उस पुलिस बल के द्वारा उन्हें उठा लिया गया है, उसे उठा करके और उसको ले करके जाया जा रहा है, उन्हें उठा करके ले करके जाया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। या ये जगह मैं आपको बता देता हूँ कि ये जगह हजरतगंज चौराहा है, ये गांधी प्रतिमा है, अनुमन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है। और ये क्योंकि इसके बगल में ही, आपको मैं बता दूँ कि ठीक 10 फरलांग की दूरी पे यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय है, जो स्टेट कार्यालय है बीजेपी का, वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे वो लोग वही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांगे कई सारी हैं, मांगे इन लोगों की, क्योंकि ये एक साल से तकरीबन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पहले भी इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय के पास में धरना प्रदर्शन किया है, इसके अलावा कई जगहों पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। अब जो दूसरी बस भी, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी बस को भी लाया गया है पुलिस के द्वारा, जो दूसरी बस है उसको भी लाया गया है, उसमें भी अब जाहिर सी बात है सीधे तौर पर जो शिक्षा मित्र यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी अब कहीं सीधे तौर पे उठा करके ले जाया जाएगा। इनके और मांगे, क्योंकि कई सारी मांगे हैं, इनको जो शिक्षक है, शिक्षक का एक दर्जा की ये लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, और इसके अलावा अनुसूची 9 के तहत, और उसके अलावा जो सीधे तौर पर जो वादे किए गए थे पुलिस के द्वारा, जो वादे किए गए थे जो जी योगी जी के द्वारा, बिल्कुल जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया, और यही आक्रोश में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल, हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। लखनऊ में जो शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि उन्हें उनको पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, लेकिन उन्हें वहां से अब हटा दिया गया।